दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन कप्तान मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2022 का रोमांचक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच खेला गया और इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। और हार के बाद आखिरकार क्या बोले ऋषभ पंत, वो सब तो आपको यहां पर हम बताएंगे। और भी जो यहां पर क्रिकेट की तमाम बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, इस वीडियो में आपको सभी खबरों के बारे में बताएंगे, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको भी बताना होगा कि आखिरकार केएल राहुल और ऋषभ पंत में से आपके अनुसार कौन है बेहतरीन कप्तान। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2022 का 45वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल दोस्तों, इस मैच में केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और दिल्ली के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए इस पिच पर 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए थे। हालांकि दिल्ली की टीम एक समय पर ऐसा लग रहा था कि इस लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से हासिल कर लेगी, क्योंकि ऋषभ पंत और रोमन पोवेल का जिस तरह से बल्ला आज चल रहा था, उनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई दिल्ली का फैन खुश था। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि मोहसिन खान, जो कि लखनऊ की टीम के पेसर गेंदबाज है, वो मैच को पूरी तरह से पलट कर रख देंगे। और इस मुकाबले में दिल्ली की टीम 20 ओवर में बस मात्र 189 रन ही बना सकी और उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दिल्ली की हार की सबसे बड़ी वजह उनकी खराब बल्लेबाजी तो रही, क्योंकि यहां पर ऋषभ पंत जो कि 44 रन पर खेल रहे थे, वो अपना विकेट गवा बैठे एंड मौके पर। और वहीं रोमन पोवेल जो कि 35 रन पर खेल रहे थे, उनका भी विकेट जाना दिल्ली के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन अब ऋषभ पंत का एक बड़ा बयान सामने आया है और ऋषभ पंत ने कुछ ऐसा कहकर हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर ऋषभ पंत कहते हैं कि हमारी कोशिश इस मुकाबले में जीत की ही थी, लेकिन हमारी टीम के बल्लेबाजों ने आज बल्लेबाजी भी अच्छी की, लेकिन एंड मौके पर जो हमारे विकेट गिरे वो हमारी टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे होने वाले मुकाबलों में जरूर अच्छी पारी टीम का हर एक खिलाड़ी खेलेगा, लेकिन ये मुकाबला हमारे लिए आज काफी ज्यादा क्रूशियल था। इस मैच को जीतना हमारे लिए काफी ज्यादा आवश्यक था, लेकिन टीम की कुछ गलतियां जैसे कि फील्डिंग और बार बार वाइड गेंदे डालना, 13 रन एक्स्ट्राज में देना, यह हमारे लिए चिंता का विषय शुरुआत से ही बनी हुई है। अगर हमारे खिलाड़ी इस पर जोर नहीं डालेंगे और इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो हम हर एक मुकाबला ही हारेंगे। हमें अपने खिलाड़ियों पर ध्यान देने की जरूरत है, जो कि हम अगले मुकाबले से करेंगे। हालांकि उन्होंने फिर आगे बात करते हुए बताया कि केएल राहुल ने भी इस मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की और उनको भी कोई गेंदबाज दिल्ली का आउट नहीं कर पाया शुरुआती चंद ओवर में, और उनका कैच छोड़ना हमारी टीम के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई और हम कोशिश करेंगे कि अब आगे से टीम में उन खिलाड़ियों को शामिल ही किया जाए जो कि फील्डिंग में भी अच्छे हों। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर ऋषभ पंत ने काफी बड़ा बयान देकर हर किसी को चौंका दिया। लेकिन अब आप क्या मानते हो कि ऋषभ पंत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या यही सब है या फिर कुछ और? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग का आज 44वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जहां मुंबई ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं राजस्थान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 158 रन बना पाने में कामयाबी हासिल कर सकी। तो वहीं मुंबई को जीत के लिए 159 रन बनाने थे, जहां राजस्थान की तरफ से बल्लेबाज जॉस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 67 रनों की पारी खेली। हालांकि अगर हम बात करें पूरी बल्लेबाजी की तो दोस्तों, आज हम सभी को बीच मैदान पर जॉस बटलर का एक बार फिर से तूफान देखने के लिए तो मिला ही, दौरान 15 गेंदों में मात्र 15 रन बनाए, जहां देवदत्त पडिक्कल के आउट होने के बाद फिर मैदान पर उतरे संजू सैमसन भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए और संजू सैमसन ने बस मात्र 7 गेंदों में 16 रन की पारी खेली। हालांकि उनको कृतिकेयन ने डेविड के हाथों कैच आउट करवाया और ये दूसरा बड़ा झटका राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगा। हालांकि संजू के आउट होने के बाद फिर डैरिल मिचेल ने मिलकर जॉस बटलर के साथ पारी को संभाला, लेकिन दोस्तों यहां पर डैरिल मिचेल भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए, क्योंकि यहां पर उनको डेनियल सैम्स ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया और इस दौरान डैरिल मिचेल मात्र 20 गेंदों में 17 रन ही बना सके। और वहीं शिमरॉन हेटमायर ने 6 रन की पारी खेली, तो वहीं रियान पराग 3 रन बनाकर आउट हुए। जब मुंबई इंडियंस की टीम मैदान पर उतरी तो यहां पर मुंबई इंडियंस की शुरुआत भी आज कुछ ज्यादा खास अच्छी रही नहीं। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।